दाखिल किया है पब्लिक, और अच्छा माहौल है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मोहर्रम। बॉम्बे की ट्रैफिक को कम से कम तकलीफ हो। जय हिंद साथियों, दारू मुंबई से जावेद शेख। इस वक्त हम नूरबाग पे है कि जैसे आज जानते हैं आपके योम आशूरा है, और आज के दिन जो है कि बड़ी तादाद में जो है कि यहाँ से जुलूस निकलने वाला है, और यहाँ पे मुंबई साउथ रीजन के एडिशनल सीपी डॉक्टर अभिनव देशमुख भी यहाँ पे मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि पुलिस का काफ़ी बड़ा बंदोबस्त है। यहाँ पे भारी तादाद में पुलिस के जवान यहाँ पे जो है कि मौजूद है, ताकि किसी तरह की भी अनहोनी ना होने पाए। चप्पे चप्पे पे जो है कि पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है। अभी हम जो है कि एडिशनल सीपी डॉक्टर अभिनव देशमुख से बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं, हर साल की तरह आज मुहर्रम का 10वें दिन का जुलूस है जी, जो जैनबिया से शुरू होता है और रहमताबाद कब्रस्तान तक जाता है। आप देख रहे हैं कि लोग ऑलरेडी जाना शुरू हो चुके हैं, और अभी आलम निकलेंगे जी। प्रोसेशन एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है अभी जैनबिया से, थोड़ी देर के बाद यहाँ तक आएगा। और पुलिस की तरफ से हमारे पूरे पुख्ते इंतजाम हमने किए हुए हैं, हमारी तरफ से काफ़ी ऑर्गेनाइज़र के साथ भी हमारी काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी है, और हमारे लगभग 70 अफसर और 500 जवान इसमें है, प्लस हमारी 9 एसआरपीएफ स्ट्राइकिंग भी इसमें डिप्लॉय। सर, देखा गया है कि पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम में पुलिस को काफ़ी मुशक्कत करने का, काफ़ी तकलीफें उठाने में, क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं नहीं, पुलिस के लिए तकलीफ की तो काम नहीं है, हर साल हम ये करते हैं, और हर साल की तरह इस बार भी हमारी तरफ से हम हर कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको कम से कम तकलीफ हो, और आप सबको पता है कि बॉम्बे की ट्रैफिक को कम से कम तकलीफ हो, तो ये दोनों का बैलेंस हमें इसमें रखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आज भी शांतिपूर्ण तरीके से ये जो जुलूस होता है, मातम का जुलूस होता है बेसिकली, वो अच्छी तरह से हो जाएगा। सर, जुलूस देखा गया है कि हर साल जो है इसी रोड से जाता था, अब रोड डिवाइड हो गया ताकि ब्रिज जो है टूटा, अब ब्रिज बन गया है, तो इससे कितनी सहूलत हुई पुलिस को? नहीं, ये ब्रिज की वजह से एक्चुअली ये ट्रेडिशनल रूट है, इसी पे पहले जाता था, बीच में ब्रिज का काम चल रहा था तो वो थोड़ा सा कुछ सालों के लिए उधर से गया था जुलूस, पर ये जो ट्रेडिशनल रूट है इसी से हम परमिशन देते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मेन आर्टेरियल रोड है जे रोड जी, उसकी जो ट्रैफिक है वो अफेक्ट नहीं होती है उसकी वजह से, तो सबके लिए ये अच्छा रूट भी है, और पिछले साल भी यहीं से हुआ था और बहुत अच्छी तरह से हुआ था। सर, एक आखिरी सवाल है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, जो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप पुलिस जो इंस्ट्रक्शंस देती है आपको वो फॉलो करें, और एक दिशा में आप लोग चलते रहे। जो लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, शरबत बांटने के लिए आते हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि वो रोड पे ना कुछ भी करें, आपको जो भी करना है वो साइड में आपके जो स्टॉल्स होंगे उसी में करें, जो फ्लो है क्राउड का वो अफेक्ट ना हो। जो लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं उनसे ये गुजारिश है कि प्रोसेशन रूट पर हमने पूरा क्लीन किया है, नई गाड़ियाँ वहाँ प्लीज़ लगने ना दें। तो बहुत लोग देखने के लिए आते हैं और गाड़ियाँ वहीं पे छोड़ जाते हैं, या गाड़ियाँ पार्क करके निकल जाते हैं आगे, तो ऐसे ना करें, ये हमारी गुजारिश। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी हालात बने तो उसके लिए हम खास करके साउथ रीजन में कोई भी पर्व होता था बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से होता था, लेकिन अभी कुछ संडे के दिन खड्डे के बारे में कुछ अराजक तत्वों ने जो है कि माहौल खराब करने की कोशिश की, हालांकि मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने उसको हैंडल किया, तो उन लोगों पे जो इसको अपना माहौल खराब करना चाह रहे थे उनके ऊपर कुछ क्या कार्रवाइयाँ हुई, और कौन लोग थे वो? देखिए, 8 लोगों पे गुनाह दाखिल किया है पब्लिक अफ्रे इस क्राइम के तहत, और उनके ऊपर इस एरिया में ना आने की पाबंदी का प्रतिबंधात्मक आदेश जो है वो भी उनके ऊपर लगाया गया है, और आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम रहेंगे उनको उसमें भी ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा अगर वो किसी भी त्यौहार में, जैसे परसों छोटा सा मसला हुआ था, ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा तो वो फेस करेगा कानून को, और उनको अच्छे से हम जो है कानूनी तरीके से सबक सिखाएंगे, वो याद जरूर रखें। आखिरी सवाल, आज यहाँ पे इतने लोग जमा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी त्यौहार हो, जैसे आज मातम का ये मुहर्रम का त्यौहार है, शांति से और अपने भक्तिभाव से इसमें शामिल हो, लेकिन डिसिप्लिन रखें। पुलिस द्वारा जो अरेंजमेंट किए गए हैं, जिस उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुने और उस हिसाब से बर्ताव रखें। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ डोंगरी के एसीपी कैलाश चंद अवार्ड जी मौजूद है,
और पहली बार जो है कि इनके उसमें जो है कि मुहर्रम का ये जुलूस निकल रहा है, इनसे हम जानना चाहेंगे सर आज ये जुलूस निकल रहा है पहली बार जो है कि आप जब से यहाँ आए हैं ये पहली बार, तो किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये पहली बार नहीं, पिछले साल भी मैं था। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत डिसिप्लिन से चल रहे लोग, बिल्कुल एकदम शांत से चल रहे हैं और अच्छा माहौल है। सर जैसे अभी देखा जाए कि इतने काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुलूस में आ रहे हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उसमें मोहल्ला कमेटी के और पीस कमेटी के इन लोगों का क्या रोल है इसमें? नहीं, इसमें रोल की बात नहीं है, हमारे जो एडिशनल सीपी साहब है, डीसीपी साहब है, इनके मार्गदर्शन पे उन्होंने जो बंदूक की प्लानिंग किया है उसके मदद के लिए बाकी बहुत सारा स्टाफ हमको मिला है। इसके अलावा जो यहाँ के जो जो लोग यहाँ में मोहल्ला कमेटी की मदद करने वाले, और जो खास करके जो ये जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है मुहर्रम का, इनके जो संगठन है इनके भी लोग कॉपरेट कर रहे हैं, इसकी वजह से बिल्कुल इत्मीनान से बिल्कुल शांतता से वो लोग कॉपरेट कर रहे हैं और पब्लिक के कॉपरेट से बंदूक अच्छा होता है। तो ये देखा गया कि इसमें बड़ी तादाद में जो है कि लेडीज़ वॉलंटियर भी इसमें शरीक हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारा लेडीज़ का स्टाफ है, लेडीज़ के वॉलंटियर्स भी हमें बहुत मिले, कॉलेज की लड़कियां मिली है, स्कूल की लड़कियां है, वो हमको मदद कर रही है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक जो है, पब्लिक वेल डिसिप्लिन है, वो हमें बहुत, वो खुद ही एक दूसरे को कॉपरेट करके चल रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बिल्कुल पिछले साल भी ऐसे हुआ था, इस साल भी ऐसा है, इंशाल्लाह इसके आगे भी ऐसे चलते रहेगा, बिल्कुल शांतता से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे मुस्तफा भाई सोशल वर्कर है, किसी भी धर्म का कोई भी पर्व हो ये बराबर दिखते हैं, आज इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आपको देखा गया कि कोई भी किसी भी वर्ग का कोई भी पर्व हो आप उसमें एक्टिव दिखते हैं, तो आज आप लोगों ने यहाँ पे किस तरह का मैनेजमेंट किया आपकी कमेटी ने? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की बात पहले होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की होती है, तो हमारी जो डोंगरी पुलिस महकमा है पुलिस का, वो मीटिंग हुई थी और मीटिंग में सब सारी चीज़ें बताई गई कि भाई इस तरीके से एम्बुलेंस वगैरह रखे जाना चाहिए, ये वो सब होना चाहिए, और पूरी मोहल्ला जो कमेटी यहाँ की भी है डोंगरी की भी, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है यहाँ पे, तो सब मिलके माशाल्लाह है ना, एकता का एक वो देते, पैगाम भी देते, और सिर्फ मुहर्रम में ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम के वक्त हो या ईद का वक्त हो, रमज़ान का वक्त हो, और यहाँ पे से जो गणपति पंडाल बन यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं, तो उसमें भी सब माशाल्लाह एकता का वो दिखाते हैं और साथों साथ मिलके हर एक सपोर्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं, आज दसवा दिनों जो हमें आशूरा है, मैंने फेसबुक पे देखा है कि जाकर कहीं आप रोड बना रहे हैं, तो कहीं गटर के जो है कि साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो आप 10 दिन से इसमें लगे हुए हैं, तो इसमें जो है कि लेडीज़ भी है और देखने में आया कि जेंट्स भी है, तो कितनी टीम है आपके लोगों में, जैसे कि महिलाओं की क्या टीम है और जेंट्स की क्या टीम है? हमारी देखो दोनों तरफ टीम है, मैं आपको एक बात बता दूँ। सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो यहाँ के आमदार है अमीन पटेल साहब, और हमारे यहाँ पे दो नगर से, वो ये वार्ड है 223, वो वार्ड है 224, तो दोनों जगह के हमारे नगर सेवक और हमारे जो आमदार साहब है उनकी गाइडलाइन, उनकी सरपरस्ती में हमारे को ये सारे संदेश और आदेश मिलते हैं कि भाई जो भी देवान आए, जिस किसी का भी हो, सिर्फ एक के लिए या एक हर एक के लिए, पहले आप ना जाके देखें, अगर जुलूस के मसले है तो जुलूस जहाँ से जाएगा उस रोड को देखें, हाउस गली को देखें, गटर चैम्बर वगैरह देखें, कि किसी को भी वो चीज़ की तकलीफ ना होना चाहिए। और रही बात महिलाओं की, क्योंकि जुलूस में महिलाएं बहुत है, तो हमारी एक यहाँ की टीम है जो डोंगरी की मोहल्ला कमेटी की, उसमें माशाल्लाह 20-25 महिलाएँ जो आपको दिखेंगी, इधर नूरबाग पे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, डोंगरी सर्कल पे, सब जगह पे खड़े हुए। सर, एक चीज़ ये देखी गया है कि इस इलाके को बहुत सेंसिटिव इलाका कहा जाता है, लेकिन 92 के बाद से यहाँ पे कोई भी पर्व बहुत बड़ी शांति से पूर्वक होता था, लेकिन वहीं पर यह देखा गया है कि कुछ अराजक तत्वों ने जो है खड्डे की बाड़ी में संडे के दिन जो है कुछ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश या ऐसा नहीं था, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई यहाँ वो एक उनको शायद जो आलम लेके आ रहे थे, हो सकता है कि उनको शायद ये पता नहीं हो रूट का कि भाई यहाँ से जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिया सुन्नी
ये यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलके चलता है। सारी वो ना समझी में हो गया, वो खाली एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, बस धन्यवाद आपका। आपने देखा कि हमारे साथ जोन वन के डीसीपी डॉक्टर प्रवीण मुंडे जी थे, इन्होंने कहा कि तमाम लोगों से इन्होंने अपील की है कि सभी लोग जो है कि एक माहौल बना के रखें ताकि किसी तरह की जो है कि बदअमनी ना होने पाए और ये पर्व जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। कैमरामैन ओवे सावले के साथ मैं जावेद शेख, प्राणी मुंबई।